हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन ऑफिसर जो कि हॉर्टिकल्चर की पोस्ट DDA द्वारा निकाली गई हैं, उनके बारे में क्या है एग्ज़ाम्स डिटेल्स और उसका पूरा सिलेबस क्या होने वाला है इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर आप सभी लोगों के लिए होने वाला है, तो लेक्चर को पूरा आप लोग विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाएगी उसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आपके एग्जाम्स में जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उन सभी सिलेबस में जो जो पॉइंट्स आएंगे उन सभी पॉइंट को आप लोगों को यहाँ पे एक ओवरव्यू बताया जाएगा और उन्हीं पॉइंट्स को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के लेक्चर को। और शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पर आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए क्लासेस चल रही हैं। तो जो भी वीडियो सभी प्लेलिस्ट में है, एग्रीकल्चर नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोग विजिट करके वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि आपके सेक्शन ऑफिसर यानी हॉर्टिकल्चर के जो भी बच्चे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सभी लेक्चर्स होने वाले हैं, क्वेश्चंस काफ़ी हद तक वहीं से बनेंगे, है ना। तो चलिए फिर देखते हैं आज के इस सेशन में। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया गया है, तो मार्क्स को डिसाइड किया गया है कि आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको मिनिमम जो है 40% मार्क जो है एग्ज़ाम्स में लेके आना है। अगर SC हैं तो 30% और ST हैं तो 30% और OBC है तो 35% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों को एग्जाम्स में स्कोर करना ही करना होगा, अदरवाइज आप आउट हो जाएंगे, एग्जाम्स से बाहर हो जाएंगे, है ना। तो इतना आप लोगों को मार्क्स जो है एग्जाम्स में लेके आना है, तभी आप लोग जो है जॉब जो है पा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा, तो कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स और क्या ड्यूरेशन होने वाला है। तो यहाँ पे 120 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएगा और जो है पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी कि ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 120 मार्क्स टोटल यहां पे आपको दिए जाएंगे। ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं तो 120 मिनट आप लोगों को मिलने वाला है, यानी पर क्वेश्चन 1 मिनट आप लोगों के लिए रखा जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो दोस्तों यहाँ पे निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रखा गया है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए आप लोग जो है श्योर होने के बाद ही क्वेश्चंस को कीजिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आप लोगों को काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं एक अच्छा स्कोर करने में। इसलिए बेटर यही होगा कि आप लोग जो है पहले अच्छे से क्वेश्चंस को एग्ज़ाम्स हॉल में पढ़ें, उसके बाद ही उस पर अपना जो भी प्रतिक्रिया हो उसे दें। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं और क्या है। तो इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिलेबस जो है DDA के द्वारा जो भी सिलेबस निर्धारित किया गया है उस सिलेबस को हम यहाँ पे एक नज़र में देख लेते हैं। तो पहली बात तो आपका यहाँ पे प्रोफेशनल जो नॉलेज होता है यानी एग्रीकल्चर का जो सेगमेंट है, एग्रीकल्चर के सेगमेंट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका टेस्ट रखा जाएगा रीजनिंग का, यानी कि रीजनिंग के जो भी बेसिक्स टर्म्स होते हैं उनसे यहाँ पे क्वेश्चंस पुटअप होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चंस पुटअप होंगे। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस से भी यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इन सभी 5 सेगमेंट से आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल नॉलेज में जो भी सेगमेंट्स कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावनाएं हैं और क्या क्या सिलेबस है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया जा रहा है। इन सभी सेगमेंट्स को आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है। तो देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर में, तो हॉर्टिकल्चर में आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि ये पोस्ट ही क्या है, पोस्ट ही हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की है, इसलिए हॉर्टिकल्चर आप लोगों का मेन की फोकस पॉइंट होना चाहिए। यहाँ इस सेगमेंट से क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो देख लेते हैं फिर, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टाइल ऑफ गार्डनिंग लॉन डेवलपमेंट, तो लॉन डेवलपमेंट और जो है गार्डनिंग की स्टाइल किस टाइप से गार्डनिंग के टाइप्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों को जो है आप लोगों को अच्छे से देखना है। रोड साइड प्लांटेशन ऑफ ट्री श्रब्स, तो है ना, इसके इस पॉइंट्स को भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फ्लावरिंग श्रब्स बोनसाई एंड इट्स मेंटेनेंस, है ना, यहाँ पे दोस्तों जो भी पॉइंट्स आप लोगों को बताया जा रहा है ये मेन पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को एटलीस्ट कम से कम तैयार तो कर ही लेना है। तो इंडोर आउटडोर पॉटेड प्लांट्स, इस ये पॉइंट पूछा जा सकता है। प्रोपागेशन ऑफ रोज क्राइसेंथिमम डहेलिया बोगेनविलिया हो गया,
हैंगिंग बास्केट कल्टीवेशन ऑफ कट फ्लावर्स एग्जाम्पल्स, जैसे आपका रोज हो गया, ग्लैडियोलस हो गया, है ना। तो इन सभी हैंगिंग बास्केट से भी आप लोगों के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स हो गया जैसे कि, और सेंटेड प्लांट्स हो गया या सेंटेड शब्स हो गए, यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। और सेकंड नंबर जो है ट्रीज प्रोपागेशन हो गया, प्लांट हो गया, है ना। तो प्रोपागेशन मेथड जो भी प्लांट्स में होता है उन सभी मेथड्स को आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। उसके अलावा प्रोटेक्शन कैसे किया जाए नर्सरी का, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नर्सरी के लिए यानी हॉर्टिकल्चर की पोस्टेज हैं, तो इसलिए आप लोगों को जो भी नर्सरी मैनेजमेंट या गार्डनिंग मैनेजमेंट जितने भी तरीके फंडे होते हैं या लेटेस्ट जो भी अपडेटेड न्यूज़ होती है, करंट की जो न्यूज़ होती है, उन सभी न्यूज़ से आप सभी लोगों को अपडेटेड रहना होगा। तो करंट के जो भी जर्नल अवेयरनेस में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके इसी सेगमेंट्स में आएंगे। और बात कर लेते हैं रूटीन गार्डन, जैसे ऑपरेशन हो गया, फीचर्स हो गया, है ना। तो गार्डन के बारे में ये सभी चीज़ें देखेंगे, गार्डन कंपटीशंस, फ्लोरल ऑर्नामेंट्स, है ना। तो फ्लोरल ऑर्नामेंट्स हो गया और गार्डन्स में किस टाइप से उसका मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो क्वेश्चंस जो है इन्हीं सेगमेंट्स में आएंगे जहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है। और जो है दोस्तों अगर आप लोग इन सभी जो है सिलेबस की पीडीएफ भी चाहते हैं, पीडीएफ के साथ वीडियो लेक्चर चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ये सेक्शन ऑफिसर के लिए क्लासेस आप लोगों की ऑलरेडी जो है चल रही हैं, 4 से 5 वीडियो जो है अभी करंट में जो है आपके चैनल पर ज्ञानपुर पर पड़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट आप लोग विजिट करके वहाँ पे देख सकते हैं, और भी वीडियोज़ अपकमिंग हैं, उन वीडियोज़ को आप लोग देखते रहिए, आपको 100% जो है कुछ ना कुछ सहायता यहाँ से मिल जाएगी। ज़्यादा वीडियो लंबा यहाँ पे नहीं बनाया जाता है, बस 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा एटलीस्ट। आप लोगों को वो वीडियो जो है डे बाई डे देखते रहना है और आप लोगों का जो है काम हो जाएगा इन वीडियो से। बाकी आप लोग क्वांट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग हो गया, इन सभी चीज़ों को आप तैयार करते रहिए। एग्रीकल्चर की नॉलेज जो है आप लोगों को इस चैनल पर अच्छे से मिल जाएगी। तो अगर अभी तक दोस्तों आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उन सभी में इस वीडियो को फैला दीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए आप लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।